ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। राज्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई राजनीतिक प्रेरणा से की जा रही है। मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा को इसका कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह सब आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मंत्री गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी झुकने का साहस नहीं किया और आगे भी नहीं करेगी। सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित, आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए इस तरह की चीजें हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई नफा होने वाला नहीं है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। जितना जुल्म होगा उतना हम मजबूत होंगे और जितना जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर होगा उतना झारखंड के लोग देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता मालिक है, उनको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेजा गया था और कारण बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने जिन जमानत में जिन बातों को लिखित किया था ये सर्व विदित है। तो जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना झुके हैं ना झुकेंगे, डट के लड़े थे डट के लड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।